राष्ट्रीय शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण परिषदः केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानम् प्रस्तौति पाठ्यचर्याधारिता श्रृंखला ध्वनिशाला। अस्तु तर्हि चलामः अष्टम कक्षायाः ध्वनिशालायाम्। संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः कक्षा आठवीं के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक। अभी हम इसके प्रथम पाठ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि, सुभाषित शब्द सु और भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन होता है। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पहला श्लोक है गुणाः गुणज्ञे सुगुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयाः। इसका दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अगला श्लोक लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अगला श्लोक पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसं सृजन्ति। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसं सृजन्ति। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। अगला श्लोक छठा नंबर पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या मही रुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। और अंतिम श्लोक चिंतनीया हि विपदां आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बह्नि ना गृहे। इस प्रकार इस पाठ में 7 सुभाषित हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम प्रथम सुभाषित को समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम सुभाषित गुणाः गुणज्ञे सुगुणाः भवन्ति, एक क्रियापद है भवन्ति, बाकी सामान्य शब्द हैं। दो बार गुणा शब्द का प्रयोग हुआ है तो गुणज्ञेषु जो गुणी लोग हैं, गुणज्ञेषु का मतलब जो गुणी लोग हैं, गुणी लोगों में गुणाह जो गुण है, गुणाह भवन्ति वो गुण रहते हैं, गुण हो जाते हैं। यानी अच्छी बात अच्छे लोगों में अच्छी रहती है। गुणाह जो क्वालिटी या गुण वाली बात है वो गुणज्ञेषु गुणी लोगों में गुण ही रहती है, अर्थात अच्छे लोग
अच्छी बात को अच्छा ही मानते हैं, किंतु जो अच्छे लोग नहीं हैं, इसमें नहीं कहा गया, उसको उदाहरण दिया गया। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः। नद्यः नदियां कैसे होती हैं? सुस्वादु तोया, सुस्वादु मीठे, तोया माने जल वाली, नदियां मीठे जल वाली होती हैं। नदियां कैसी होती हैं? नदी का जल कैसे होता है? मीठा होता है। मीठे जल वाली नदियां जो बहती हैं समुद्र मासाद्य, जब समुद्र में मिलती हैं तो क्या हो जाती हैं? खारी हो जाती हैं। अब इसको फिर से समझते हैं। गुणाह गुणज्ञेषु गुणाह भवन्ति, गुण गुणी लोगों में गुण हो जाते हैं, गुण ही रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, वही निर्गुण लोगों में जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। गुणी लोगों में गुण गुण बनते हैं, वही गुण निर्गुण लोगों में अगर चले गए तो वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां कैसे होती हैं? मीठे जल वाली होती। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः। नदियां मीठे जल वाली होती हैं, किंतु समुद्र मासाद्य, जब वो समुद्र में मिलती हैं तो अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रह जाती, खारी हो जाती हैं। तात्पर्य, अच्छी बात अच्छे लोगों में अच्छी रहती है, किंतु वही अच्छी बात जो अच्छे लोग नहीं हैं उनको वो खराब लगती है। इसकी तमाम स्टोरीज हैं। अब यहाँ स्टोरी हम नहीं सुनाएंगे क्योंकि पाठ कहीं बड़ा ना हो जाए, तो इसलिए इतना ही सीधे से समझना है कि गुण अच्छे लोगों में गुण रहते हैं और वही गुण जो अच्छे लोग नहीं हैं उनके पास गई जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जिस तरह सभी सामान्यतः नदियां मीठे जल वाली होती हैं, किंतु जब वो समुद्र में मिलती हैं, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है, इसलिए नदियां समुद्र में मिलकर खारी हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रह जाती। मेरे समझ से इसका अर्थ इतने से क्लियर हो जाना चाहिए। अगला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। यहां बताया गया है साहित्य यानी लिटरेचर, संगीत म्यूजिक और कला यानी आर्ट। साहित्य संगीत और कला से विहीन माने रहित व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें न साहित्य है न संगीत है और ना ही कोई कला है, वो व्यक्ति कैसा होता है? साक्षात पशु, वो केवल पशु होता है, साक्षात पशु होता है और पूरा पशु भी नहीं होता। पुच्छ विषाण हीनः पशु, एक ऐसा पशु होता है जिसके पूछ नहीं है और सींग नहीं है। तो साहित्य संगीत और कला से हीन व्यक्ति साक्षात बिना सींग और पूछ वाले बाणे पशु की तरह। और क्या कहते हैं इसको? तृणम न खादन न पि जीवमान। ये पशु यद्यपि तृण नहीं खाते, घास नहीं खाते, फिर भी जी रहे। बिना घास खाए ऐसे जीने वाले इन पशुओं का ये बहुत बड़ा भाग्य है। ये कौन से पशु हुए? नर पशु। साहित्य संगीत कला से हीन व्यक्ति साक्षात पशु होता है और पूर्ण पशु भी नहीं होता, वो बाणा पशु होता है जिसके न पूंछ है और न सींग, यानी श्रृंगार विहीन पशु होता है। ऐसे पशु तृणं न खादन् अपि जीवमानः, बिना घास खाए जीवित रहते हुए इन नर पशुओं का भाग्य ही है कि बिना घास खाए जीवित रहते हैं। अर्थात हर व्यक्ति को साहित्य संगीत और कला से युक्त होना चाहिए।
यही तो जीवन है। यदि साहित्य नहीं है तो कैसा जीवन, संगीत नहीं है तो कैसा जीवन, और कला कोई नहीं है तो भी जीवन उस पशु के समान है, जो पशु श्रृंगार विहीन पशु है। और श्रृंगार क्या है उसका? सींग और पूंछ। तो बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान होता है व्यक्ति जिसके पास साहित्य, संगीत और कला नहीं होती है। ये इन नर रूपी पशुओं का भाग्य ही है कि ये जीवित तो रहते हैं बिना घास खाए हुए। अगला श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य। पिशुनस्य मैत्री, लुब्धस्य नश्यति यशः, जो लुब्ध लोभी, लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का यशः नश्यति, यश नष्ट हो जाता है। जो लोभी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और पिशुन यानी चुगलखोर बहुत खराब चीज है, चुगली नहीं करनी चाहिए, पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। पिशुनस्य मैत्री, जो चुगलखोर है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जो कोई काम नहीं करता, बिना क्रिया का व्यक्ति है, अकर्मण्य व्यक्ति का क्या नष्ट होता है? कुल नष्ट हो जाता है, वंश नष्ट हो जाता है। हम सबको हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। गीता में कहा है कर्मण्येव अधिकारस्ते, हमारा कर्म करने में अधिकार है। कर्महीन व्यक्ति, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में समस्त पदार्थ है लेकिन जो कर्महीन है वो उसे नहीं पाता है। कर्म से ही तो हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं नष्ट क्रियस्य, जो क्रिया से नष्ट है, कर्म से नष्ट है, हीन व्यक्ति है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य, अर्थपरस्य जो एकमात्र धन की ही चिंता करता है, अर्थ माने धन, अर्थपरस्य, अर्थपरायण, धन का इच्छुक, केवल धन का सोचने वाला व्यक्ति, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः नष्ट हो जाता है। मुझे यहां यह बताना पड़ेगा कि नश्यति जो पहले पंक्ति में है उसका, उस शब्द का, उस क्रियापद का सबके साथ प्रयोग हो। लुब्धस्य यशः नश्यति, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, नष्ट क्रियस्य कुलम नश्यति, अर्थपरस्य धर्मः नश्यति, विद्याफलम व्यसनिनः, तो व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति, कृपणस्य सौख्यम नश्यति, प्रमत्त सचिवस्य राज्यम नश्यति। एक ऐसा नराधिप राजा जिसके सचिव प्रमत्त हों, नराधिपस्य राजा के प्रमत्त सचिवस्य, एक ऐसा राजा जिसका सचिव प्रमत्त है, मतवाला है, ठीक से नहीं सोचता समझता, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः, जो व्यसनी है, व्यसन से तात्पर्य दुर्व्यसन। अब आजकल हम देखते हैं एक अजीबोगरीब व्यसन आया है, हम इसे दुर्व्यसन तो नहीं कहते लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, पबजी खेलना। क्या मिलेगा इससे? एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, पांच पांच घंटा पबजी खेले जा रहे हैं, ये कोई गेम तो है नहीं। तो ये व्यसन हुआ, बुरी आदत। तो ऐसे व्यक्ति, हमने एक उदाहरण दिया, खेल सकते हैं, बुराई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट में, एक सीमा में, और सीमा से अधिक जो होता है वो व्यसन हो जाता है। किसी भी बात का व्यसन होना, चाहे खाने का हो, पीने का हो, काम का हो, व्यसन, व्यसन, व्यसन का अर्थ यहां दुर्व्यसन से। तो जो दुर्व्यसन वाला है, खराब आदत वाला है, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य, जो कंजूस है, कृपण, कंजूस, कंजूस का
सुख नष्ट हो जाता है। तो फिर से एक सामान्य रूप से देखते हैं, जो लोभी है लुब्धस्य यशः नश्यति, अर्थात लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति, पिशुन चुगलखोर, पिशुन का अर्थ चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम नश्यति, जो क्रियाविहीन व्यक्ति है, अच्छे कार्य नहीं करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य, जो केवल धन की ही सोचता है, उसका धर्म नश्यति, धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः विद्या फलम नश्यति, बुरी आदत वाले की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम नश्यति, कंजूस व्यक्ति का सौख्य सुख नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त सचिव, सचिव माने मंत्री, प्रमत्त माने मतवाले, मतवाले सचिव वाले राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस सुभाषित से मतलब है कि हमको जो कुछ भी बुरी आदतें हैं उनसे दूर होना चाहिए, ये हमारे काम की चीज है और हम इसे दूसरों को भी बता सकते हैं। अगला श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, वाह, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ असौ मधुमक्षिका। ये मधुमक्खी जो है, कितनी बढ़िया बात है, ये मधुमक्खी रसम पीत्वा, रस पीकर, कैसा रस पीकर, कटुकम कड़वे रस को पीकर, मधुरम और मधुर रस को समान रूप से पीकर, यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर क्या करती है, माधुर्यमेव जनयत, माधुर्यमेव जनयत, ये मधुर ही पैदा करती है, शहद पैदा करती है। मधुमक्खी कड़वे रस और मीठे रस दोनों को समान रूप से पीती है, किंतु मीठा रस अर्थात शहद को उत्पन्न करती है। संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः, जो संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीती है बिना भेद के हुए, और मधुर रस यानी शहद को पैदा करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग, संत लोग, सज्जन और दुर्जना नाम वचः श्रुत्वा, सज्जन और दुर्जनों की वचनों को सुनकर एक भाव से, सज्जन लोग सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को एक ही प्रकार से सुनकर क्या करते हैं, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर मीठे रस वाले वाक्य को पैदा करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को एक साथ स्वीकार करती है और मीठे रस को ही पैदा करती है, शहद को पैदा करती है, उसी प्रकार जो संत लोग हैं वो सज्जन यानी अच्छे लोग और दुर्जन माने खराब लोगों के वचनों को सुनकर क्या करते हैं, मधुर सूक्त रसम, मधुर यानी अच्छे अच्छे वाणी, अच्छी अच्छी कविताओं, मधुर कविताओं का सृजन करते हैं। विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते, जो पराक्रम को छोड़कर भाग्य के ही सहारे बैठा रहता है, वो प्रासाद सिंहवत, वो
महल में बने हुए, महल के द्वार पर बने हुए शेर की तरह है, भाग्य के सहारे बैठा है। शेर तो एक्टिव होना चाहिए। यहां महल के बाहर जो शेर बना रहता है, हम लोगों ने देखा है बहुत से महलों के सामने शेर बने रहते, लेकिन उनमें कोई एक्शन नहीं होता। तो जो व्यक्ति भाग्य के सहारे बैठा रहता है वो महल में, महल के बाहर बने हुए शेर की तरह होते हैं, जिनके ऊपर वायसा हतिष्ठन्ति, कौवे बैठते, अर्थात उनका कोई महत्व नहीं। ध्यान से इसको फिर से समझना होगा। जो व्यक्ति पराक्रम को छोड़कर भाग्य के सहारे ही बैठा रहता है वो महल के बाहर बने हुए शेर की मूर्ति के समान है, जिसके जिसमें कोई एक्शन नहीं है, उसके ऊपर तो केवल कौवे बैठते हैं। अगला श्लोक है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः। बहुत बढ़िया, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः, धन्याः महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अर्थिना माने चाहने वाले या मांगने वाले। येषां, जिनके विमुखं न यान्ति, निराश नहीं लौटते, मांगने वाले जिनसे निराश नहीं लौटते हैं, ऐसे ये महीरुह माने पेड़ धन्य है, धन्य है। कैसे हैं ये? पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारू भी, सब अलग अलग चीजें हैं। पुष्प माने पेड़ के पास कोई कहे के लिए जाता है, पुष्प लेने, फूल मांगने जाता है, तो पेड़ उसको दे देते। कोई पत्र, पत्ता मांगने जाता है, तो पेड़ उसे दे देते, मना नहीं करते। कोई फल की इच्छा से जाता है तो फल दे देते हैं। कोई गर्मी में परेशान है तो छाया के उद्देश्य से पेड़ के पास जाता है तो पेड़ छाया दे देता है। किसी को पेड़ की जड़ चाहिए किसी दवा आदि के लिए तो जड़ भी अपनी प्रदान कर देते हैं। किसी को पेड़ की छाल चाहिए, बलकल, बलकल माने छाल, औषधि के प्रयोग के लिए, तो पेड़ अपनी छाल उसे दे देते हैं। और किसी को लकड़ी चाहिए, दारू माने लकड़ी, तो पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारू भी। तो पुष्प पत्र फल छाया मूल माने जड़, बलकल माने छाल, और दारू माने लकड़ी के द्वारा ये पेड़ धन्य हैं, जिनसे मांगने वाले निराश नहीं लौटते हैं। अर्थात मांगने वालों को ये पेड़ क्या देते हैं? पुष्प देते हैं, अपना पत्ता दे देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जड़ दे देते हैं, अपनी छाल दे देते हैं, और लकड़ी देते हैं। तात्पर्य है कि ये पेड़ जिनका पत्र पुष्प फल छाया मूल बलकल और दारू माने लकड़ी, ये सब मनुष्य के काम आती है, और ये सब मनुष्य को, मांगने वाले को, चाहने वाले को दे देते हैं, इसलिए ये पेड़ धन्य। चिंतनीया ही विपदाम आदौ वेव प्रतिक्रिया। बहुत बढ़िया, चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया। विपत्ति में, विपत्ति, विपत्ति से पहले ही उससे बचने का उपाय चिंतन करना चाहिए। विपदाम, विपत्ति के आदौ एव, शुरुआत में ही उसकी प्रतिक्रिया, बचने का उपाय चिंतनीय, सोचना चाहिए। विपत्ति से पूर्व ही विपत्ति से बचने का उपाय सोचना चाहिए। चिंतनीया हि विपदाम
आदौ वेव प्रतिक्रियाः। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बह्निना गृहे। जिस प्रकार घर में आग बह्निन प्रदीप्ते बह्निना गृहे, घर में आग लगने पर, घर में आग लग जाने पर कुआं खनने का विचार ठीक नहीं है। अगर कुआं बनाना ही है तो पहले बना लीजिए ताकि आग लगने पर कुएं से आपको जल मिल जाए। ये एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि आपको जो कुछ भी विपत्ति की संभावना है उससे बचने का आपको हमेशा उपाय पहले ही सोचते रहना चाहिए। जैसे यदि आप रास्ते पर निकल रहे हैं तो आप देख लीजिए रास्ते में तरह तरह के संकट आ सकते हैं, तो उनसे बचने का उपाय, उनसे सेफ रहने का उपाय पहले ही सोचना चाहिए। अब ये विपत्ति है तो आदौ एव प्रतिक्रिया कहाँ होगा, हमको हाथ मिलाने से बचना चाहिए, मुंह को ढक के रखना चाहिए, नाक को ढक के रहना, आदौ एव प्रतिक्रिया। एक बार अगर ये आपको ये हो ही गया फिर ये आप अगर करेंगे भी तो आपको हो तो गया ना। तो विपत्ति के पहले ही उससे बचने के उपाय को सोचना चाहिए। तो इस तरह से ये पाठ यहाँ संपन्न होता है। इसे कुछ प्रश्न उत्तर हैं, मैं उसको संक्षेप में करता हूँ। तो पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरम वाचनम कुरुतो। पाठ में दिए हुए पद्यों का सस्वर वाचन करिए। सो हमने कर दिया है, आप भी वैसे ही करिए। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इसमें क से लेके च तक रिक्त स्थान दिए गए हैं और श्लोकांश जो हमारे सात श्लोक हैं उन सातों श्लोकों से ध्यान रख करके इस रिक्त स्थान को आसानी से पूरा कर सकते हैं। जैसे एक को मैं करके उदाहरण देता हूँ, समुद्रमासाद्य। अब डॉट 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 है तो समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। आप श्लोक से इस पंक्ति को ले सकते हैं। अगला है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। तीसरा प्रश्न है, व्यसनिनः किम नश्यति। जो व्यसनी लोग हैं, गलत आदत वाले लोग हैं, उनका क्या नष्ट हो जाता है। विद्या फलम, उनकी विद्या का फल नष्ट हो जाता है। इसी तरह से आप अगले प्रश्न में आए, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। इसमें तद्भव शब्द लिखे हुए, इनका संस्कृत शब्द पाठ से चुन करके लिखे। जैसे कड़वा, अब कंजूस है तो कंजूस का कृपण ठीक है, कड़वा कटु, कड़वा कटु ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। पूंछ है पुच्छ, लोभी लुब्धा। आगे है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। बहुत बढ़िया, इन वाक्यों में कर्ता कौन है और क्रियापद क्या है चिन्ह पहचान करके लिखना है। तो उदाहरण दिया, यह संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो यहाँ कर्ता हुआ संतः और सृजंती हो गया क्रियापद। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, तो भवन्ति शब्द क्रिया हो जाएगा और दोषाः कर्ता हो जाएगा। अब आगे है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुण गुणियों में गुण हो जाते हैं। तो गुणाः यहां प्रश्न बनाना है, के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो उत्तर आएगा, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत। सातवां प्रश्न, इसमें दो पदों को मिलाकर एक पद बना हुआ है, इनको अलग अलग करना है। तो समुद्रमासाद्य, तीन चार बार बोलेंगे इसको तो अपने आप अलग होना अलग हो जाएगा। समुद्रमासाद्य, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम और आसाद्य। हम दो तीन बार बोले तो ये अलग 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 झलक जाता है। तो इस तरह से मैंने सात प्रश्नों की एक वानगी मैंने आपको दे दी और योग्यता विस्तार में भी आप चाहें तो आगे पढ़ें, इसमें और अच्छे अच्छे सुभाषित दिए हुए हैं। तो मेरे समझ से ये पाठ बच्चों को अब समझ में आ जाएगा।
संप्रति भवद्भिः श्रुतम्। पाठ्यचर्याधारिता ध्वनिशाला, निर्माणं सहयोगश्च मीनाक्षी कुकरेति, तनु गुप्ता च, ध्वन्यांकनं शानु मुकसीमः, विकास सांगवानश्च, निर्माणं विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।